जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फिर से एक बार खुशबू क्वीन आपके सामने एक तड़कती फड़कती सी रेसिपी लिख के आ चुकी है। तो गाइस, ये रेसिपी आज होने वाली है बिहारी स्पेशल। तो गाइस, बिहार के लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है एंड ये लिटरली बिहारी में सिर्फ बनाई जाती है, जो कि आज मैं आपके लिए आसान तरीके से लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, इसको बिना देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये होने वाली है कच्चे केले के छिलके की रेसिपी। तो गाइस, तो सबसे पहले हमें कच्चे केले के छिलके ले लेने हैं एंड उन्हें एक पानी में हमें बॉईल कर लेना है। जैसे ही वो अच्छे से बॉईल हो जाए, हमें दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसको चिल्ड पानी से वॉश कर लेना है, और क्योंकि गाइस हमें इसको ठंडा रखना है, क्योंकि अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसको ज़्यादा गर्म हमें ग्राइंड नहीं करना है, ठंडा करके ही हमें ग्राइंड कर लेना है। फिर हमें लेना है मिक्सर जार, और मिक्सर जार में ये सारे कच्चे केले के छिलके हमें डाल लेने हैं। एंड गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कच्चे केले के छिलके की जो रेसिपी है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होने वाली है। तो गाइस, फिर हमें कच्चे केले के छिलके डालने के बाद इसमें डालना है हमें प्याज, नमक, रेड चिली पाउडर, जिंजर, गार्लिक पेस्ट एंड डालना है यहाँ पे जीरा और हींग। और इसके बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद इसको एकदम फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट है। आप चाहो, आप जिस प्रकार इसकी चटनी खाना चाहो वैसे आप रख सकते हो, मतलब आप डार्क भी रख सकते हो एंड इसको पतला भी कर सकते हो। फिर हमें लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई में हमें डालना है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हमें डालना है वहाँ पर राई और हींग, और इसका एक लगता फड़कता सा हमें तड़का लगा लेना है। एंड गाइस, इसको हम डाल देंगे चटनी में, और गाइस लिटरली ये जो चटनी बनके तैयार होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये चटनी वाली रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।